हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्य करने की दर या शक्ति, या अंग्रेजी में कहे तो पॉक। ठीक, अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले देखें, अपन ने पहले बल से किसको परिभाषित किया, कार्य को। अब इस कार्य को अपन दो रूप में दे सकते हैं। एक तो अपन बात करें कार्य को कुल किया गया कार्य, या फिर कहा जाए क्षमता अर्थात कैपेसिटी। दूसरा, अपन कार्य को समय के साथ में देखें, इसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इस दोनों परिस्थितियों के अंदर इसकी कार्य की परिभाषा अलग अलग हो जाएगी, ये अर्थात कार्य दो अलग अलग भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे। अगर बात करें कुल किया गया कार्य क्षमता या कुल कैपेसिटी की, तो आप जानते हैं ये क्या बताता है, ऊर्जा। क्या बताता है, एनर्जी। अगर बात करें समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष वो बताएगा शक्ति या फिर पावर। ओके, तो कार्य करने की दर अर्थात कार्य की अवधि समय के सापेक्ष बात करें तो वो क्या बताता है। अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझें कि यहाँ से कोई दो व्यक्ति है, एक ए है दूसरा पी व्यक्ति। इस दोनों के पास कोई समान द्रव्यमान की वस्तु है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर मान लेते, कितनी 8 मीटर। वो यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ तक रखने में मान लेते ये 20 सेकंड लेता है, और ये दूसरा व्यक्ति भी मान लेते हैं ये 25 सेकंड लेता, कितना 25। अब बताइए ए तथा बी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, कार्य मैं कह सकता हूँ डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी, क्योंकि द्रव्यमान समान है, ऊंचाई समान है, तो यहाँ पे किया गया कार्य समान है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये टी ए इज नॉट इक्वल टू टी बी, लिया गया समय दोनों का क्या है, अलग अलग है। अर्थात इसने वो कार्य बराबर किया लेकिन इसने लेट किया 5 सेकंड और इसने 5 सेकंड पहले किया। ठीक है, तो इस प्रकार के अर्थात इस व्यक्ति के पास शक्ति अधिक है कार्य करने की, इस व्यक्ति के पास शक्ति कम है। जिसके पास शक्ति अधिक होगी अर्थात कम समय में वही कार्य कर लेता है तो उसके पास शक्ति अधिक होगी, तो इसकी कार्य करने की दर अधिक है, इसकी कार्य करने की दर कम है। ठीक है, तो अपन शक्ति को ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ से ए से यहाँ से इस 8 मीटर ऊंचाई पर रखा तो टोटल किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ऊर्जा। या फिर अपन शक्ति को ऐसे भी व्यक्त करते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या हो जाएगी, शक्ति को अपन ये भी कह सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की दर, या कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति। तो शक्ति को व्यक्त करेंगे तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य अपॉन समय। या फिर मान लेते हैं कोई व्यक्ति टी समय के अंदर डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर पी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। अब इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक, अब मात्रक क्या होगा, कार्य का जूल और समय का सेकंड, एक तो होगा जूल प्रति सेकंड। दूसरा, अगर एस आई मात्रक की बात करें
ये मात्रक अपने पास होगा वाट, जिसको अपन कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये होगी कार्य करने की दर। अब बात करें एक वाट क्या होगा। एक वाट, एक वाट शक्ति क्या होगी, यदि कि प्रति सेकंड ऊर्जा स्थानांतरण की या ऊर्जा स्थानांतरण एक झूल हो, तो किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड एक झूल ऊर्जा स्थानांतरित हो रही हो तो उस वस्तु की शक्ति कितनी होगी, एक वाट कहलाती है। ये शक्ति अपने पास दो तरह की होती है, एक तो अपन यांत्रिकी में पढ़ते हैं और एक आती है विद्युत शक्ति भी होती है। क्या होती है, विद्युत शक्ति को अपन कहीं पे भी देखें उपकरण में अंदर, जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, वहाँ पे अपन बस कैपेसिटी किलोवाट में आती है। ये शक्ति किस में आती है, किलोवाट के अंदर आती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखें। इस पे आधारित जो अपना व्यावसायिक मात्रक कहलाता है इसको अपन नहीं पढ़ते, विद्युत शक्ति को ज़्यादा डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास क्या, कार्य करने की दर और शक्ति। ठीक, अब एक चीज और बात करें, जैसे कि यदि धरातल से कुछ h ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान को ले जाने में t समय लगता है, कितना t समय लगता है, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी। पहले तो अपन को ज्ञात करना पड़ेगा कार्य, और कार्य कितना होता है, mgh, तो यहाँ पे इसकी पावर अपन क्या लिखते हैं, mgh अपॉन टी, किया गया कुल कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखनी। तो कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कि कार्य अगर अपन क्षमता कुल किया गया कैपेसिटी से बात करें तो वो क्या बताएगी, ऊर्जा, और समय के सापेक्ष कार्य स्थानांतरण की दर देखें तो क्या व्यक्त करती है, शक्ति व्यक्त करती है। कम समय में अधिक कार्य करेगी तो उसकी शक्ति अधिक होगी। ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अपन विद्युत शक्ति के आधारित पर आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले अपन इस पर क्वेश्चन देखें बात करें। देखा जाए इधर कि दो लड़कियां जिसमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर ऊंचाई पर चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए, दूसरी का बी, इस कार्य को पूरा करने में 20 सेकंड लेती है और बी लेती है 50 सेकंड, तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय शक्ति क्या होगी। भाई अपन ने यहाँ पे लिखे हैं व्यक्ति, दो लड़कियाँ, एक ए एंड बी, दोनों का भार बराबर, मैं कह सकता हूँ डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी, और वो कितना है 400 न्यूटन। ऊंचाई बराबर है, एच बराबर कितना है 8 मीटर, और समय टी ए बराबर दे रखा है 20 सेकंड और टी बी बराबर दे रखा है 50 सेकंड। ठीक है, तो शक्ति ज्ञात करनी ऊंचाई तरफ ले जाने में, बात करें पहले कि ए की शक्ति, ए की शक्ति, तो यहाँ पे ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, तो शक्ति पी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच अपॉन टी। यहाँ पे जी की वैल्यू अपन को, अब यहाँ पे एम जी एच, एम जी क्या कहलाएगा, भार, क्या कहलाएगा, भार, और भार यहाँ पे कितना दे रखा है, या फिर अपन P बराबर ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू एच अपॉन टी। ओके, चलिए, तो यहाँ से P A बराबर हो जाएगा, W का मान 400 इंटू ऊंचाई कितनी 8 मीटर अपॉन समय कितना ले रहा है 20 सेकंड, तो यहाँ से कैंसल आउट, ये कितना
चार बार, और ये पी ए बराबर कितना होगा 160 वाट। ए की लड़की की शक्ति कितनी 160 वाट है। ठीक, इसी प्रकार बी की शक्ति कितनी होगी। अब पी की शक्ति के लिए मैं पी पी बराबर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू एच अपॉन टी बी। तो डब्ल्यू ये 400 न्यूटन इंटू ऊंचाई 8 अपॉन ये कितना 50, ये 5 है और ये कितनी बार 8 बार। तो ये पी बी बराबर कितना 64 वाट। ज़्यादा समय उसी भार को ले जाने में, उसी ऊंचाई तक, इसमें समय ज़्यादा लिया मतलब इसकी शक्ति कम है, इसने समय कम लिया इसकी शक्ति अधिक है। तो अपन कह सकते हैं पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ए की शक्ति भी से ठीक है। अब शक्ति को एक चीज़ और बताते हैं, शक्ति को अपन पावर को किलोवाट के अंदर भी लेते हैं, मेगावाट के अंदर भी लेते हैं। किलो का मतलब होता है 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट, 1 मेगावाट होता 10^6 वाट, 10^6 वाट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एम इज इक्वल टू देर का कितना 50 किलोग्राम। एक लड़का एक सोपान पर बैठकर जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ, नंबर सीढ़ियाँ कितनी है 45, और समय कितना लेता है 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई h बराबर कितनी देर की है 15 सेंटीमीटर। अब एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 45 × 15, और मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, लगभग अपने पास 6.75 मीटर, तो हो जाएगा 6.75 मीटर। ओके, अब ये तो हो गई अपने पास टोटल ऊंचाई यहाँ तक, द्रव्यमान ये, तो शक्ति P बराबर, अब ये कितना हो जाएगा द्रव्यमान की वस्तु को, तो एम जी एच अपॉन टी, एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू अपन को कितनी लेनी 10 दे रखी है, और एच 6.75 अपॉन ये कितना 9। ठीक है, तो इसको अपन डिवाइड करके कैंसल आउट करके जो शक्ति आई वो अपन वाट के अंदर लिखते हैं। वाट लिखो या जूल प्रति सेकंड लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक, तो आपको याद भी रहना चाहिए एक शक्ति का ऐसा ही मात्र क्या है। तो अपन ने क्या क्या देखा आज, कि कार्य को अगर कैपेसिटी तो ऊर्जा, समय के सापेक्ष शक्ति, जो कार्य को या एक ही कार्य को कम समय में पूर्ण करेगा उसकी शक्ति अधिक होगी, ज़्यादा समय में पूर्ण करेगा उसकी शक्ति कम होगी। तो शक्ति को अपन ये कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो कार्य P बराबर W अपॉन T, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या ऐसा ही मात्रक क्या होता है वाट होता है। शक्ति अपने पास विद्युत शक्ति भी होती है जो अपन 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इस पर जस्ट अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक, ये चीज़ अपने पास हो गई, फिर अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखा। अब आगे देखें अपन ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है, जो घरों के अंदर जो बिजली वगैरह आती है, यूनिट्स आती है घरों में, क्योंकि उपकरण हैं वो अलग अलग ऊर्जा खपत के होते हैं, उनको पढ़ने के लिए या उनकी ऊर्जा व्यय ज्ञात करने के लिए अपन यूनिट से मेजरमेंट करते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए अपने पास इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर के अंदर ऊर्जा का व्यावसायिक उपयोग कैसे करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी।
ओके चलिए, धन्यवाद।